यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का यह दीक्षांत समारोह कई मायने में खास है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने अमृतकाल की यात्रा शुरू की है। पिछले 75 वर्षों से अपने आदर्श वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय के अनुरूप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ज्ञान के प्रकाश स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल द्वारा भारतवर्ष के सपने समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना करता हूं एवं अमृतकाल की यात्रा के लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं सभी पदक विजेताओं, अभिभावकों एवं टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीचर्स के रोल को सर्वसार उपनिषद में बखूबी चित्रित किया गया है। इसमें टीचर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा और मेरे स्टूडेंट दोनों का ज्ञान नॉलेज तेजस्वी हो, दोनों की ज्ञान यात्रा जीवन में साथ साथ चले और दोनों की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैले। मैं सृजन के प्रतीक सभी टीचर्स को भी इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसमें लगभग 67% हमारी बच्चियां हैं। आज हमारी बच्चियां जिस आत्मविश्वास, साहस एवं योग्यता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, ये निश्चित रूप से गर्व का विषय है। प्राचीन काल से 13वीं शताब्दी तक जम्मू कश्मीर नारी शक्ति के अदम्य साहस और ब्रिलियंस के लिए जाना जाता रहा है। एनईपी लागू करने में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे पहले एनईपी को पूरी तरह से इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट लागू किया है। डिजाइन योर डिग्री का जो कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर में आज शुरू किया है उसकी सराहना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भी की है और देश के अनेक विश्वविद्यालय आज हमसे इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हम भी अपने विश्वविद्यालय में इसे लागू करना चाहते हैं। मैं उच्च शिक्षा विभाग को विशेष रूप से इसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पुनः एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदया का हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।